नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है करियर बिट की इस फैमिली में। उत्तर प्रदेश में बीटीसी 2015 बैच के थर्ड सेमेस्टर बैक पेपर और फोर्थ सेमेस्टर के बैक पेपर के रिजल्ट की घोषणा कब होगी, इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करने जा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में बीटीसी 2015 बैच के थर्ड सेमेस्टर बैक पेपर डीएलएड 2017 बैच के थर्ड सेमेस्टर के साथ कराए गए थे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में डीएलएड 2017 बैच के थर्ड सेमेस्टर के कापियों का मूल्यांकन पूर्ण कर लिया गया है और अब उसके रिजल्ट की तैयारी की जा रही है। स्क्रीन पर आप वो आर्टिकल देख पा रहे हैं, इसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया है डीएलएड 2017 तृतीय सेमेस्टर का रिजल्ट जल्द। परीक्षा नियामक कार्यालय डीएलएड 2017 तृतीय सेमेस्टर की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पूर्ण कर चुका है और उसका रिजल्ट तैयार हो रहा है, अगले सप्ताह जारी होने की उम्मीद। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता होगा, एक वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को अपडेट किया था कि बीटीसी 2015 बैच के फोर्थ सेमेस्टर बैक पेपर के कापियों का मूल्यांकन भी डीएलएड 2017 बैच के कापियों के मूल्यांकन के साथ ही किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर फोर्थ सेमेस्टर के कापियों का मूल्यांकन भी पूर्ण हो गया होगा और हो सकता है कि डीएलएड 2017 बैच के थर्ड सेमेस्टर के रिजल्ट के साथ ही बीटीसी 2015 बैच के थर्ड सेमेस्टर बैक पेपर और फोर्थ सेमेस्टर बैक पेपर के रिजल्ट की भी घोषणा कर दी जाए। तो दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा संभावना है कि अगले सप्ताह डीएलएड 2017 बैच के साथ ही आपके बीटीसी 2015 बैच के फोर्थ सेमेस्टर बैक पेपर और थर्ड सेमेस्टर के बैक पेपर के रिजल्ट की घोषणा की जा सकती है। दोस्तों, यह सिर्फ एक प्रस्तावित तिथि है, अभी इसमें बदलाव हो सकता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के इस चैनल के साथ। धन्यवाद।